मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान को ही देख रहे हैं, साक्षात इंसान नहीं है। बिहारी जी की कृपा है, बिहारी जी ने ही हमें गुरुदेव भगवान से मिलवाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम सुंदर हमारो यार, लक्ष्मी पूजिया ललक। राधा नाम रटे जोई तासे मीरो संग, राधा ही के चरण में मीरो रंग भंग। राधे राधे मैं हूँ सौरभ, मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के इन गलियों में, जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आप देखेंगे किस तरीके से भक्तों का ताता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। जिधर देखेंगे उधर भक्ति भक्त आपको नजर आएंगे। ये महाराज जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हैं, आइए इनसे जानेंगे भाव क्या भाव है, आइए चलते हैं आगे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या सुनाम है आपका? आशिका। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से आए। तो किसका इंतजार कर रहे हैं आप? हम अपने सतगुरुदेव भगवान का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन का बहुत परिवर्तन किया है। और मतलब हम कह नहीं सकते कि कैसे हमारा जीवन उन्होंने बदल दिया है। अब हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हर प्राणी में अपने श्री जी को देखें, राधा रानी को देखें। तो ये सब सामर्थ्य हमें गुरु महाराज जी से मिलता है। लड़ाई झगड़े और ये सब अब ऐसा नहीं, अब हम लगता है कि हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो चुके हैं। अब हम व्यवहारिकता हम करते हैं, शरीर हमारा चंडीगढ़ में है लेकिन हमारी आत्मा हमारे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वृंदावन में। कैसे भाव आ गया महाराज जी के लिए आपका? महाराज जी के लिए भाव कहते हैं ना कि शिष्य को चुनते हैं गुरुदेव भगवान, तो ये बिहारी जी की कृपा है, बिहारी जी ने ही हमें गुरुदेव भगवान से मिलवाया है। तो गुरुदेव भगवान ने हमारा चयन किया है, तो उन्हीं की कृपा हुई है हम पे। हमारा भाव उनकी वजह से ही बना है कि हम तो किसी निमित्त नहीं, हमारे ऊपर हम अदम जीव है, हमारा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं की कृपा से, उन्होंने ही हमें भाव दिया है, उनसे जुड़ने का उन्होंने ही हमें भाव दिया है। आप बताइए। राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आप आए? मैं फरीदाबाद। कैसे भाव आ गया महाराज जी के लिए? वही प्रदान करने वाले, उन्होंने ही दिया है, ये भाव भी वही देने वाले। से आप महाराज जी के दर्शन कर रही हैं, तो क्या बदल रहा है जीवन में? जीवन अब उनका है, हमारा नहीं रहा। उन्होंने जहाँ से निकाला है अब जीवन उनका है, जैसे वो चला रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, ये सब उन्हीं का है। आप केवल हमें शारीरिक रूप से देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव, सब गुरुदेव, सब गुरुदेव, सब गुरुदेव बुलवा रहे हैं, सब गुरुदेव चारों तरफ हमें वही दिखाई देती हैं, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, श्री जी गुरुदेव, श्री जी गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? डिंपल। कहाँ से आई? एमपी से, नीमच से। तो महाराज जी के दर्शन कराने के लिए ठाकुर जी को भी लाए थे? हाँ, लेके आए इनको भी। क्या 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 नाम रखा है ठाकुर जी का? इसका नाम कृष्णा है, केशव। ये है केशव, ये है कृष्णा। कब से सेवा कर रही हैं आप इनकी? 5 साल हो गए। 5 साल से सेवा कर रही हैं, तो कैसे भाव आया इनके लिए? भाव ऐसे है, कहने की चीज नहीं है, भाव ऑटोमेटिक आ जाता है, दिखता है ये कैसा भाव है। 5 वर्ष से आप सेवा कर रही हैं इनकी, तो क्या दोनों कर रहे हैं पति भाई, तो क्या बदलाव आ रहा है जीवन में? अच्छा ही आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत बढ़िया बदलाव आ रहा है इनकी सेवा करने से, बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करने से। तो नाम किसने रखा? आपने रखा इनका? हमने रखा। कुछ चमत्कार करते हैं जब से सेवा कर रहे हैं? बहुत चमत्कार करते हैं, कहने की तो चीज नहीं है, अपन करते हैं, महसूस होने लगता है। आप बताइए क्या नाम है आपका? ये तो कल ही लिए, ये कल ही लाए हैं। कल ही लाए हैं? आप इनकी सेवा करेंगी? हाँ। तो कैसे मन में विचार आ गया कि लेके आने चाहिए? भाई है इसलिए ले लिया। तो भाई के रूप में लाए, भाई के रूप में लाए हैं हम। गुरु हम महाराज जी 4-5 साल से कर रहे हैं प्रयास, और हम गुरु दीक्षित भी हैं,
और गुरु दक्षिणा के बाद जैसे भी हमको भाव जागृत हुआ तो तब से कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता पूरा तो, पर जैसे भी हैं प्रयत्न कर रहे हैं, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरु जी के प्रवचनों से ही ये सब कुछ हुआ है। जब से स्टार्टिंग से, जब हम राजपूत समाज से हैं, हम सब गलत चीज़ें भी खाया करते थे, पिया करते थे, पर एक बार जब गुरु जी का प्रवचन सुना तब से एकदम से परिवर्तन हो गया। सारी चीज़ें छोड़ दी, त्याग कर दिया सबका। अब दो दिन से लगातार गुरु जी के दर्शन करने के लिए कल भी कर रहे थे, दो दिन से रात में भी कर रहे थे और कल सुबह भी आए थे यहाँ पे, आज सुबह भी आज जाएंगे शाम को। तो हमने कहा एक बार तो दर्शन करके ही जाएंगे। जिनके सिर मोर मुकुट राजे, गोरु जन तिलक बाल ब्राजे। जिनके सिर मोर मुकुट राजे, गोरु जन तिलक बाल ब्राजे। कहाँ से आप आए? हम दिल्ली से आए। दर्शन हुए महाराज जी के? बहुत बढ़िया दर्शन। अश्रु धारा क्यों बह रही है महाराज जी? पता नहीं महाराज जी, पता नहीं, बस जैसे ही महाराज जी को देखा अपने आप ही आंसू आने लग गए, मतलब बोला भी नहीं जा रहा कुछ। क्या भाव था जब दर्शन कर रहे थे? मतलब बहुत आनंद आनंद आया अंदर, और ऐसा लगा पता नहीं सब कुछ मिल गया। अभी कुछ बोला नहीं जा रहा प्रभु जी। अभी क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं जॉब करता हूँ प्रभु जी। तो कैसे महाराज जी के प्रति भाव जागृत हुआ? महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं मोबाइल पे, तो मतलब आज तो कुछ ऐसा था भी नहीं कि महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। हम तो जा रहे थे अभी इस्कॉन टेम्पल, तो देखा भीड़ लगी हुई थी, तो रिक्शे वाले भैया से पूछा भीड़ क्यों, उन्होंने बताया कि महाराज जी अभी निकलने वाले, तो हमने बोला रोक दो हम भी दर्शन कर लेंगे। तो रुके हुए थे, जैसी मतलब महाराज जी का, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि कुछ की इतना ज्यादा कि भाव प्रकट हो जाएगा, लेकिन जैसे महाराज जी को देखा उसके बाद ही हुआ प्रभु जी ऐसे। राधे राधे। राधे राधे। और भी भक्त हैं जो महाराज जी के दर्शन। राधे राधे। राधे राधे। दर्शन हो गए महाराज जी के? बहुत अच्छे दर्शन। कैसा लग रहा था जब दर्शन कर रहे थे? मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान को ही देख रहे हैं साक्षात, इंसान नहीं है, अलग सी एकदम देखते एकदम अलग सी मन हो गया उनको, ऐसे तो भगवान के दर्शन हो गए। तो कब से दर्शन कर रही है महाराज जी का? पहली बार हुए दर्शन तो, बाकी उन्हें टीवी पे और इंस्टाग्राम, आजकल यूट्यूब बहुत चल रहा है, तो उनपे तो दर्शन होती रहते हैं। क्या करती हैं आप? जी मैं जॉब कर रही हूँ इंडिगो एयरलाइंस, कस्टमर सर्विस। हाँ जी। तो समय समय पर आती रहती हैं यहाँ? हाँ, पर जिंदा मन तो मैं आती रहती हूँ समय समय पर। पहली बार प्रेमानंद जी के दर्शन हुए हैं तो बस सफल हो गया ना, सफल हो गया। पूरी फैमिली आई है? हाँ मेरी पूरी फैमिली आई है, मम्मी बहने बुआ है। राधे राधे। राधे राधे। आप भी पहली बार दर्शन किए हैं? दर्शन पहली बार हुए हैं, और वृंदावन तो आते रहते हैं पर दर्शन नहीं हुए थे आज तक, आज दर्शन हो गए, सफल हो गया वृंदावन आना। महाराज जी प्रभु के दर्शन हो गया? नहीं आई तो दूसरी बार हूँ मैं, एक बार बालाजी के आई थे, गाड़ी आई है वहाँ, नहीं मतलब टीवी पे देखते रहते हैं इनको महाराज जी को, मगर आज देख के पूरा कृष्ण भगवान का एकदम हो गया मुझे, आज कृष्ण भगवान मुझे मिल गया है उनके रूप में। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। हाँ क्या नाम है आपका? मेरा बजरंग लाल शर्मा। कहाँ से आए? हरियाणा भिवानी से। तो ये सोनी सेवा? ये हाँ, ये परम सौभाग्य हमारा जो ये मैया मिल गई, और ये जो है ना हमें सेवा मौका मिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसके ये पुष्प हटा रहे? उससे हमारे गुरुदेव की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से ये सब, इस तरह की जो अंदर से इच्छाएं आती हैं सब गुरुदेव की कृपा से आ रही हैं, और बड़ा परम सौभाग्य है कि भगवान के धाम में हमें यहाँ जो है ना सोनी सेवा मिली। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सरकारी स्कूल में। तो महाराज जी के लिए कैसे भाव जागृत हो गया आपका? बस महाराज जी के सत्संग सुनते थे यूट्यूब से, उससे ही लगाव हो गया, फिर महाराज जी के शरणागत मंत्र ले लिया, और उसके बाद प्रति हर महीने आते हैं। पुष्प जो आप एकत्रित कर रहे हैं क्या करेंगे इनका? इनको इकट्ठा करके फिर जो नहीं यमुना जी में प्रवाहित करेंगे।
लग नहीं रहा कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप सोनी सेवा कर रहे हैं कुछ आगे। हमें परम आनंद आ रहा है इसमें, इसलिए ये कोई सोनी सेवा थोड़ी है, प्रभु का धाम में जो है ना सेवा करने का मौका परम सौभाग्यशाली को मिलता है, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है कि ये मौका मिल गया, क्योंकि सोनी नहीं मिलती, ये माई ले रही थी तो यहाँ मौका मिल गया, वरना थोड़ी मिलता, हमारे पास तो सोनी है नहीं, तो इसलिए है ना ये प्रभु की कृपा थी, उन्होंने अचानक से ये दिखाई दी मैया, तो इससे हमने ये सौभाग्य मिल गया, आनंद आ गया बिल्कुल परम आनंद। राधे 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 राधे। आप भी यहाँ पर ये हमारे साथ दर्शन हो गए महाराज जी, तो कैसा लगा, कैसी अनुभूति दर्शन हुए तो? दर्शन से तो यही लगता है सबसे दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं, दर्शन ही हमारे गुरु जी है सन्नागत। तो जब से आप सन्नागत हुए हैं तो क्या क्या बदल रहा है जीवन में? बस हमारा लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है जीवन का। आप बताइए आपके? पूरा जीवन ही बदल गया जब से गुरु जी के दर्शन हुए, तो पूरा जीवन ही बदल गया गुरु जी के कृपा। बस श्री जी को पाना ही जीवन का लक्ष्य था, और गुरुदेव का मिलना ही श्री जी का मिलना हो गया हमारे लिए। बस श्री जी हमें प्रकट रूप में प्राप्त हो गई, हम इसी बात से अच्छे आनंद में हैं। दर्शन हुए थे अभी? हाँ जी। तो क्या भाव आ रहा था मन में? बस भाव तो प्रकट ही नहीं कर सकते, उनके लिए जो भाव है वो तो अप्रकट ही कैसे। आप बताइए आप कैसे पीछे खड़ी हैं? बताइए क्यों बाबू हो रही हैं आप? बस भी दर्शन करने के लिए। आनंद आया।